जवान में शाहरुख खान के पॉलिटिकल मोनोलॉग को आम आदमी पार्टी ने बता दिया अरविंद केजरीवाल की स्पीच। शाहरुख खान की जवान ने पहले दिन रचा इतिहास, वर्ल्ड वाइड किया लगभग 130 करोड़ का कलेक्शन। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि जो अरविंद केजरीवाल जी सालों से कहते आ रहे हैं वो बात आज जवान फिल्म में शाहरुख खान ने भी कह डाली है। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। पूरी रिपोर्ट बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक एक भी दूसरी पार्टी को, मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हो चुकी है और उसने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। फिल्म का एक सीन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। शाहरुख खान की तरफ से लोगों को संदेश दिया गया है फिल्म में कि उन्हें जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए। यहां तक कि कहा गया है कि जब 5 साल बाद नेता वोट मांगने आए तो उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए। अब शाहरुख खान के उस मोनोलॉग पर सियासत शुरू हो चुकी है। जी हां, जवान का कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग चर्चा में है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि जो अरविंद केजरीवाल जी सालों से कहते आ रहे हैं वो बात आज जवान फिल्म द्वारा शाहरुख खान ने भी कह डाली है। जी हां, जवान फिल्म का जो डायलॉग इस वक्त सोशल मीडिया पर बौचाल मचा रहा है, सिनेमा घरों से लेकर राजनीतिक मंच तक जिस डायलॉग की चर्चा हो रही है वो ये है कि डर पैसा जात पात धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने के बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उनसे सवाल पूछें कि मेरे लिए अगले 5 साल में क्या करोगे। अगर परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए या उसके इलाज के लिए क्या करोगे। मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। जी हां, यही डायलॉग जो है इस वक्त सिनेमा घरों से लेकर राजनीतिक मंच तक चर्चे में है। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि स्कूल बना दिया इसलिए वोट दो, अस्पताल बना दिया इसलिए वोट दो, सभी बस मुद्दे को भटकाने का काम करती है। अब अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो को आम आदमी पार्टी अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं जवान फिल्म का पॉलिटिकल एंगल क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल जवान फिल्म की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया है। जोर देकर कहा गया है कि वोट हमेशा मुद्दों के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह भी साफ कहा गया है कि जब दूसरे मामलों में लोग तुरंत उंगली करने को तैयार रहते हैं तो फिर सरकार चुनते वक्त भी वैसे ही सवाल क्यों नहीं पूछते। वहीं बता दें आपको कि यह बस एक फिल्म है और फिल्म का हर एक डायलॉग हर एक सीन रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से होकर गुजरता है और जब सेंसर बोर्ड फिल्म में काट छांट करके उसको पास कर देता है तब जाकर कोई भी फिल्म सिनेमा घरों तक आती है। पर जवान को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और खासकर जवान फिल्म के डायलॉग को लेकर। पर बता दें आपको कि ये सारी चीजें फिल्म के फेवर में काम कर गई है क्योंकि जवान ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है। वहीं अकेले ही हिंदी वर्जन में पहले दिन 65 करोड़ की कमाई जवान ने कर डाली है। लोग काफी इस फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं, टिकटें नहीं मिल रही हैं, सिनेमा घरों में मानो के तूफान की शक्ल में जवान आ गया है। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म जवान वाकई एक त्यौहार की तरह है। इस फिल्म के रिलीज होते ही इसका जश्न मनाया गया। किंग खान के फैंस ने थिएटर्स के बाहर जहां जहां उनके बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट लगे हुए थे उस पर दूध चढ़ाया, फूल की मालाएं पहना। वहीं कुछ एसआरके फैंस सिनेमा घरों के अंदर झूमते और पैसों की बारिश करते हुए नजर आए। दूसरे शब्दों में कहें तो शाहरुख की जवान की रिलीज ने फैंस को एकदम क्रेजी कर दिया है और जिसका सीधा असर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है। जवान ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही कलेक्शन में शाहरुख खान की ही फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया है। जवान ने अपने ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ इतिहास रच दिया है। वहीं बता दें आपको कि जवान ने पहले ही अपनी जबरदस्त एडवांस बुकिंग के साथ कलेक्शन रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है और जिसके बाद उम्मीद थी कि फिल्म की फर्स्ट डे कलेक्शन भी नए रिकॉर्ड्स बनाएगी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जवान सभी के उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई है। जवान फिल्म में जो मैसेज दी गई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। फिल्मों द्वारा इस तरह का मैसेज देना नए भारत में कितना सही है। क्या फिल्मों को राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।